10,000 रुपए एडवांस रखिए, बाकी जब आप मिठाई भिजवा देंगे तब हम दे देंगे। ठीक है, थैंक यू। दिवाकर, दिवाकर बेटा, हम लोग कपड़े की शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, तुम बच्चे लोग हमारे साथ बोर हो जाओगे बेटा। सबकी को कहीं घुमा फिरा के लाओ हा? और उसके लिए अच्छी सी गिफ्ट खरीद लेना बेटा। मुझे नहीं जाना इसके साथ। पापा, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा तू? तू कोई दूध पीता बच्चा है जो हमारे साथ घूमेगा फिरेगा? शादी हो रही तेरी, होने वाली बीवी के साथ थोड़ा समय बिता अच्छा रहेगा। चल, ठीक है। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। चुप कर, कल गया था ना तू? बार बार कबाब में हड्डी बनेगा क्या? ये नहीं जाएगा। आप लोग जाइए ना। अच्छा सुनिए, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेना चाहती हूँ। गिफ्ट? मैं क्यों तुमसे गिफ्ट लूँ? मैं लड़कियों से गिफ्ट नहीं लेता। मैं लड़का हूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। बोलो क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं कुछ नहीं। ले लो कपड़े, जूते, बैग, ले लो कुछ। अच्छा ठीक है, आप मुझे सैंडल से ला दीजिए। चलो। अच्छा सुनिए, आपको मुझसे गिफ्ट नहीं लेना तो मत लीजिए, लेकिन वहाँ गोपाल काका के यहाँ बहुत टेस्टी आलू चाट मिलती है, प्लीज उसके लिए मना मत कीजिएगा। हाँ क्यों नहीं, चलो। गोपाल काका, एक मेरी वाली चाट बनाना और इनके लिए एक स्पेशल वाली। अरे कभी नंबर आएगा, लेट हो रहा है। मुझे चाट नहीं खाना है, मुझे एसिडिटी हो जाती है। पर गोपाल काका की चाट से नहीं होगी, रुकिए मैं बनवाती हूँ। गोपाल काका, इनके लिए एक और चाट बनाना, उसमें तीखा कम डालना और हरी मिर्ची भी कम डालना, धनिया डालना और गोलगप्पे का पानी भी डालना उसमें, ठीक है? समझ गए ना आप? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ये वाला। अरे नहीं रुकिए, ये अरे कितनी लाल मिर्च डाली है इसमें। अरे वो मैं लाल मिर्च ज्यादा खाती हूँ ना तो उससे जुबान साफ होती है। रुकिए आप, सॉरी। और लेकर आऊं? हाँ। अरे वाह, क्या बढ़िया शेरवानी है भाई, हमको तो देख के ही भाग गई। क्या कहते हैं कृष्णकांत जी? जी अच्छी है, वाकई बहुत अच्छी है। दिवाकर बेटे पर जचेगी भी बहुत। इसे फाइनल करते हैं। सुनिए जी, उसके साथ साथ इसे भी फाइनल कर दीजिए। सुंदर है ना मेरी होने वाली बहू के लिए? क्या कारीगरी है, क्या रंग है, ऐसे ही को सोचा था मैंने होने वाली बहू के लिए। वाओ माँ, ये हमारी थपकी दी भी कितनी अच्छी लगेगी ना। बिल्कुल परी लगेगी ना थपकी दी, है ना? देखो ना। बोलो भाई कितना हुआ इन दोनों का? वो देखो। अरे शेरवानी का 45,000 और लहंगे का 65,000। आपको पता है चंदन जी, मैंने अपनी शादी में इसी कलर की शेरवानी और इन्होंने इसी कलर का लहंगा पहना था, और ये दोनों हमारी प्यारी सी सासू माँ ने बड़े प्यार से खरीदा था। माँ को तो इसी में खुशी मिलती है। ऐसा जोड़ा पूरे आगरे में आपको नहीं मिलेगा। हाथ की कारीगरी है, उठा के देखिए 5 किलो का वजन है इसका। कृष्णकांत जी क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं समझे जी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं बस यही कह रहा था कि देखिए
मैंने आपसे वादा किया है तो खर्च करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन क्या है ना कि मैं देखिए हमारे जमाई के लिए तो अब जो कहेंगे जैसा कहेंगे हम ले लेंगे, लेकिन हमारी बेटी के लिए इतना महंगा। देखिए आपकी बेटी हमारी होने वाली बहू है और हम चाहते हैं कि हमारी होने वाली बहू जब हमारे रिश्तेदारों से मिले तो इतनी सुंदर लगे कि किसी का ध्यान उसकी बोली पर ना पड़े। आप हमारा मतलब समझ रही हैं ना? ठीक है, ले लेते हैं। आपने जो भी पसंद किया है दे दो भैया, दोनों दे दो। तुम जल्दी से अपने लिए कुछ पसंद कर लो, मुझे और भी कुछ काम है। ये देखिए ना कितनी सुंदर है। हाँ मैं सर एक अर्जेंट कॉल करके आता हूँ। अच्छा सुनिए मैं एक मिनट में आई। ओके भी ज्यादा पुराना आपका अपना हाशमी दवाखाना, प्रॉब्लम कोई भी हो इलाज मिलेगा, बालों का गिरना, पेट की समस्या, औलाद ना होना, छोटा कद, मोतियाबिंद, सबका इलाज मिलेगा, जड़ी बूटी वाला इलाज मिलेगा। हकीम जी कुछ भी करके मेरी हाइट बढ़ा दीजिए, मुझे मेरी पत्नी से छोटा नहीं दिखना है। चिंता ना करो बेटा, एक हफ्ते में ऐसी दवाई दूंगा कि तेरी लंबाई 2 इंच बढ़ जाएगी। लिया कुछ? सर ये लिया। नहीं भैया ये वाली नहीं। ये वाली दे दो। शुक्र है कम से कम इसमें तो हील नहीं है। ये दे दो। ये लीजिए। हकीम जी कुछ भी करके मेरी हाइट बढ़ा दीजिए, मुझे मेरी पत्नी से छोटा नहीं दिखना है।